दोस्तों कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से आपकी तैयारी चल रही होगी। दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है, यूपी ट्रिपल एससी फॉरेस्ट गार्ड का जो सफर है वो 2019 जुलाई में जब फॉर्म आए थे, जब से इसकी शुरुआत होती है और शुरुआत होने के बाद 2022 में 21 अगस्त क्या है संपन्न हुई। जैसे कि बहुत सारे स्टूडेंट पहले तो जब 21 अगस्त की ये परीक्षा की डेट आई, आप लोगों के दिमाग में बहुत सारे सवाल चल रहे थे कि सर फॉरेस्ट गार्ड की परीक्षा 21 अगस्त को नहीं होगी। लेकिन रेगुलर बीच बीच में मैं वीडियो बना के रेगुलर हर क्लास में आपसे ये बोल रहा था कि सर आपकी जो परीक्षा है वो 21 अगस्त को ही होगी। ठीक है, तो आपकी जो परीक्षा है 21 अगस्त को संपन्न हो चुकी है। हमने मिलकर, पूरी टीम ने मिलकर दिनों रात आपके लिए मेहनत की है, लेकिन उसके बावजूद भी बहुत सारे स्टूडेंट बोलेंगे कि सर आपका पढ़ाया हुआ कुछ नहीं आया। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, अच्छा लगता है जब आप ऐसे बोलते हैं। सारी चीजों पे वन बाय वन बात करने वाला हूं। और उसके बाद में क्या हुआ, जैसे ही जिस दिन एग्जाम होने वाला था 21 अगस्त को, उससे एक दिन पहले मैंने वीडियो अपलोड की। वीडियो में मैंने ये बताया कि जितने भी मेरे भाई बहन स्टूडेंट हैं, जितने भी एग्जाम देने जा रहे हैं, एग्जाम सेंटर पर समय से पहुंचना है। एग्जाम सेंटर पर क्या करना है, समय से पहुंचना है। अपनी जो OMR सीट है उसको बहुत अच्छे से फिल करना है। ये जो एक दो दिन का समय बच रहा है ना, इसमें ज्यादा पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। जो अभी तक आपने पढ़ा है, जो आपने तैयारी की है वो बेस्ट है, क्योंकि जो आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड है ना, जो आपका 2.5 घंटे का समय है, बुलंदशहर में क्या है, हमने स्टूडेंट के रुकने का प्रोग्राम किया, वहां भी मैंने 1 से 1.5 मिनट में अपनी बातों को यही समाप्त किया था कि जो ये जो आपका जो समय है ना, ये आपका समय पढ़ने का बिल्कुल नहीं है। एक दिन पहले, कल आपका एग्जाम है, आपको अपने आप को कंट्रोल रखना है, बहुत अच्छे से आपको एग्जाम देना है। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होंगे जो आपसे आते हुए होंगे और उनको आप गलत करके आएंगे और बाद में आके बोलेंगे कि सर मेरा वो एग्जाम गलत हो गया, मेरा पेपर छूट गया, सर मैं सेंटर पे समय से नहीं पहुंच पाया। बहुत सारी ऐसी चीजें मैं बोल रहा था रेगुलर वीडियो में, लेकिन उसके बावजूद भी मुझे ये चीजें देखने के लिए मिली। एक भाई की कॉल आई कल कि सर मेरा एग्जाम छूट गया, बहुत अच्छे से तैयारी की है। तो देखिए मुझे बहुत ज्यादा दुख हो रहा है, अभी तक मेरी नींद पूरी नहीं हो पाई है। पिछले 3 दिन से 4 दिन से मैं प्रॉपर नींद नहीं लेके मतलब ले पा रहा हूँ। मेरी जो आंखें हैं ना वो सूजी हुई हैं अभी भी। ठीक है, इतनी आपने एग्जाम दिया है लेकिन मैंने एग्जाम नहीं दिया है, उसके बावजूद भी मैं अपनी प्रॉपर नींद नहीं ले पा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि फॉरेस्ट गार्ड का जो एग्जाम था, जितना आपके लिए ज्यादा महत्वपूर्ण था, उससे कई गुना ज्यादा हमारी और हमारी पूरी टीम के लिए महत्वपूर्ण था। क्योंकि हमने सिर्फ और सिर्फ किसकी तैयारी कराई, फॉरेस्ट गार्ड की सबसे ज्यादा तैयारी की और आप लोगों के लिए दिन और रात मेहनत करी। इसके पीछे कारण एक ही था कि जो भी 655 वैकेंसी है, सबसे ज्यादा सिलेक्शन अगर कहीं होंगे तो वो माई बिगेस्ट क्लासेस चैनल से होंगे। और अभी भी मैं ये बात बोल रहा हूँ, पेपर हो गया है, सबसे ज्यादा जो सिलेक्शन हो रहे हैं वो हमारे इसी चैनल से हो रहे हैं। ठीक है, सारी चीजों पर बात करने वाला हूँ, कितने परसेंट लोगों ने क्या है परीक्षा दी है, पेपर का लेवल कैसा रहा, वैकेंसी को लेकर बहुत बड़े सवाल चल रहे हैं आपके दिमाग में, सर मेल फीमेल की वैकेंसी बताइए कितनी है कितनी नहीं है, और उसके बाद क्या है कट ऑफ के बारे में भी थोड़ा सा बता दूंगा। ठीक है, अब क्या करें उस पर भी हम बात करने वाले हैं। ठीक है, वन बाय वन सारी चीजों पर बात करने वाला हूँ। सबसे पहले शॉर्ट में बता देता हूं, अगर पेपर के स्तर की बात करें, जैसे कि आप सभी को पता है इस पेपर में क्या क्या पूछा गया था आपसे, इसमें 3 पोर्शन पूछे गए थे और बड़े ही अच्छे तरीके से इस वीडियो को, पूरी वीडियो को देखना है बड़े ही ध्यान से। ठीक है, क्योंकि जो गलतियां अभी तक आपने की हैं वो आगे कभी रिपीट ना हो, वीडियो को बड़े ध्यान से देखना है। जैसे कि आप सभी को पता है रीजनिंग क्या है पूछी गई थी इसमें, रीजनिंग, रीजनिंग के बाद हिंदी, हिंदी के बाद क्या है GK और GS और करंट अफेयर्स, ये क्या है, ये 3 पोर्शन में आपका क्या है एग्जाम बटा हुआ है। ठीक है, अब आप देखा जाए रीजनिंग की अगर बात करें, रीजनिंग में 60 क्वेश्चन और हिंदी में 80 क्वेश्चन, GK GS में 60 क्वेश्चन, 200 क्वेश्चन, 200 मार्क्स के आपसे पूछे गए। ये परीक्षा का पैटर्न था, आप सभी लोगों को पता है, बोलेंगे क्यों बता रहे हैं, सुनिए पहले बहुत ध्यान से वीडियो को देखना है, बहुत सारे सवाल आपके दिमाग में चल रहे हैं और जो भी सवाल आपके रह जाए कमेंट कर देना, एक एक सवाल क्लियर कर दूंगा। ठीक है, वन बाय वन बात करता हूँ। सबसे पहले रीजनिंग की बात करता हूँ, रीजनिंग में पिछले 1.5 साल से आपको पढ़ा रहा था, उसके बाद में मैं और रोहित सर मिलकर आपको पिछले 2 महीने से रीजनिंग पढ़ा रहे हैं। वन बाय वन प्रत्येक सेक्शन के ऊपर मैं बात करने वाला हूँ। जो बहुत सारे स्टूडेंट बोल रहे हैं ना सर GK नहीं हुई, सर GK पढ़ाई हुई नहीं आई आपकी, अरे मेरे भाई सारा कंप्लीट अगर तीनों पेपर रीजनिंग भी हिंदी भी और GK GS भी आसान आ जाएगी तो कट ऑफ कहां जाएगी, फिर तो 200 में से 200 जाएगी। पेपर में कुछ ना कुछ ऐसा होता है, पेपर में कुछ ना कुछ ऐसा होता है जो क्या है कि आपको क्या है कट ऑफ को या तो कम रखता है, क्योंकि आप सभी को पता है कट ऑफ क्या है, कभी भी 100 में से 100 नहीं जाती है, बहुत कम जाती है। ठीक है, ऐसा कभी नहीं देखा होगा कि आप 100 में से 100 मार्क्स से लेके आ गए, क्योंकि बोर्ड के एग्जाम नहीं है, तो कट ऑफ क्या है कम जाती है। और मैं आपसे बार बार बोल रहा था रीजनिंग हिंदी GK GS कोई भी एक पोर्शन आपको ऐसा मिलेगा जो आपको देख के आपकी हवा खराब करने वाला है, तो मैंने आपसे ये बोला था बार बार जो भी आसान क्वेश्चन मिले सबसे पहले आसान आसान को उठाना है और बड़े प्यार से क्वेश्चन को करना है। ठीक है, बड़े ही मतलब आपको रिलैक्स होकर एग्जाम में बैठना है, वो सारी चीज मैंने आपको बता के भेजी थी, कमेंट में भी पोस्ट किया, वीडियो बना के भी बताया और रेगुलर क्लास में भी मैं आपको बता रहा था।
अगर रीजनिंग की बात करते हैं, ठीक है, रीजनिंग के लिए मैं आपको प्रूफ भी दिखा दूंगा अगर आप बोलेंगे, किसी भी स्टूडेंट को विश्वास ना हो। और जिसने मन लगा के पढ़ाई की है कमेंट करके बता देना, किसी से भी जबरदस्ती कोई मैं नहीं बोल रहा हूं कि आप कमेंट अच्छी ही करना, मन करे गाली लिख देना कमेंट में, मन करे सच्चाई बता देना। सबसे पहले रीजनिंग की बात करूंगा, रीजनिंग में कितने 60 क्वेश्चन आए, 60 क्वेश्चन रीजनिंग में देखने के लिए मिले। बहुत सारे स्टूडेंट बोल रहे रीजनिंग बहुत डिफिकल्ट आई है, मैं बता रहा हूं वास्तव में कि रीजनिंग का जो स्तर है यूपी ट्रिपलएससी में क्या है, पिछली बार के पेपर से भी आसान देखने के लिए मिली है। अगर देखा जाए तो यूपी ट्रिपलएससी इतनी आसान रीजनिंग नहीं पूछती है। एक एक लाइन के क्वेश्चन, ब्लड रिलेशन के एक एक लाइन के, दो दो लाइन के क्वेश्चन, किसके डायरेक्शन के, मैं अभी दिखाऊंगा आपको, अभी दिखाऊंगा, पेपर मेरे पास है, पूरा पेपर मैंने देखा है, अच्छे से एनालिसिस किया है। तो रीजनिंग में अगर देखा जाए, मैं आपको बता रहा हूं 40 क्वेश्चन तो ऐसे थे जो बिल्कुल आसान थे, बिल्कुल आसान सीरीज पूछी गई आपसे, बिल्कुल क्या थी, अल्टरनेट चल रही थी, बार बार क्लास में करा रहा हूं, रेगुलर आपको क्वेश्चन कराए हैं, 40 क्वेश्चन बिल्कुल आसान थे। जिसने क्या है एप्लीकेशन पे क्लास ली है, ठीक है, और यूट्यूब पे भी ली है, वो तो भाई 50 प्लस आराम से करके आया, 55 क्वेश्चन तक भी करके आया। मैं बता रहा हूँ 25 दिन 25 चैप्टर की सीरीज चली है, 25 दिन 25 चैप्टर की सीरीज, 25 दिन में पूरी रीजनिंग समाप्त करने की एक सीरीज मेरी चल रही थी, ठीक है। जिसने भी देखी है ईमानदारी से बता देना इस क्लास में से कितने क्वेश्चन आए। कैलेंडर के 3 क्वेश्चन आए, तीनों के तीनों सेम टू सेम क्वेश्चन क्लास में कराए। क्लॉक के 3 क्वेश्चन आए, तीनों के तीनों कराए। सिटिंग अरेंजमेंट के 12 क्वेश्चन कराए सिर्फ, और हाईलाइट करके बताया कि एक गोल मेज वाला आएगा और एक वो आएगा जिसमें उत्तर को मुंह करके बैठे हैं, वही दोनों प्रकार के क्वेश्चन। 3 क्वेश्चन आए सिटिंग अरेंजमेंट के, तीनों के तीनों अभी 4-5 दिन करा के भेजे थे। बार बार हाईलाइट करके भी बोला था, ऐसे वीडियो पढ़ी है, जिसको विश्वास ना हो कमेंट करोगे तो मैं वीडियो में भी दिखा दूंगा आपको, ठीक है। तो रीजनिंग ऐसी आई थी भाई, अगर किसी ने अच्छे से रीजनिंग की प्रैक्टिस की है, 40 क्वेश्चन तो ऐसे थे जो बिल्कुल आसान थे, कोई भी कर सकता है। अगर बात करें 10 क्वेश्चन क्या है, 10 क्वेश्चन थोड़े से इजी टू मॉडरेट थे भाई, मॉडरेट भी नहीं थे, इजी टू मॉडरेट थे। 40 क्वेश्चन इजी थे और 10 क्वेश्चन इजी टू मॉडरेट थे मेरे भाई। रीजनिंग में हर एक स्टूडेंट जिसने थोड़ी बहुत भी तैयारी की है वो आराम से 50 क्वेश्चन कर सकता था, लेकिन स्टूडेंट कितना कर रहे हैं, 30 क्वेश्चन 35 क्वेश्चन 40 क्वेश्चन, इतना करने के बावजूद भी कि आपको सीधे सीधे क्वेश्चन मिले। ईमानदारी से बता देना, जिन्होंने भी गलत किया है वो कहीं ना कहीं या तो आपने गलती की है, आप किसी के लिए भी ब्लेम नहीं कर सकते। और बार बार मैं आपसे बोलता हूं, मैं तो अपने आपको ज्यादा बड़ा टीचर मानता भी नहीं हूं, भाई बहन की तरह आपको पढ़ा रहा हूं, फिर भी आपको रीजनिंग में, फिर भी आपको कंप्लीट, अगर जिसने भी मेरी क्लास देखी है ना, कंप्लीट 50 से 55 क्वेश्चन मेरी क्लास से आए हैं। जिसको भी विश्वास ना हो ना, जो भी बोल रहा हो कि सर ऐसी आप बातें बोल रहे हैं, तो भाई वो मेरी क्लासेज यूट्यूब पे पढ़ी है, एक एक दिखा दूंगा। अगर क्लॉक में मैंने 10 क्वेश्चन करवाए हैं ना, 10 में से 3 क्वेश्चन 3 टाइप के आपको एग्जाम में देखने के लिए मिले हैं। कैलेंडर में अगर 15 क्वेश्चन करवाए तो 15 में से 3 के 3 क्वेश्चन मेरे सेम टू सेम देखने के लिए मिले हैं, ठीक है। सिटिंग अरेंजमेंट के 3 के 3 क्वेश्चन, सिलोजिज्म का क्वेश्चन कराया 100 पे 30 से, देखते ही क्वेश्चन को आंखों आंखों में कर सकते थे, सीधे के सीधे कंप्लीट रीजनिंग आपको देखने के लिए मिली। तो मैं बता रहा हूं 40 क्वेश्चन आसान थे, 10 क्वेश्चन इजी टू क्या थे, मॉडरेट थे। तो 50 क्वेश्चन आप बड़े आसानी से कर सकते हैं, मैं मान रहा हूं 10 क्वेश्चन क्या है, 10 क्वेश्चन थोड़े से मॉडरेट टू डिफिकल्ट थे, लेकिन इन 10 में भी लगभग 5 क्वेश्चन अगर देखा जाए तो मैथ वाला पोर्शन है भाई, टाइम एंड वर्क पूछ लिया। उम्मीद नहीं थी कि टाइम एंड वर्क आपसे रीजनिंग में पूछेगा। आयु पूछा, आयु हमने पढ़ा के भेजा आपको, वो मतलब हाथ मिलाने वाला क्वेश्चन वो मैंने आपको करा के भेजा, ठीक है। लेकिन टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन आपसे पूछे, औसत वाला क्वेश्चन मैंने कई बार रीजनिंग में कराया, औसत के क्वेश्चन पूछे वो भी आसान थे। अगर देखा जाए मुश्किल से रीजनिंग में 5 क्वेश्चन ऐसे थे, रीजनिंग का पूरा पेपर है मेरे पास, 5 क्वेश्चन ऐसे थे जो बहुत मतलब डिफिकल्ट थे, वो टाइम कंज्यूमिंग थे, उनको आप छोड़ सकते थे। लेकिन हर एक स्टूडेंट जिसने मन लगा के तैयारी की है ना, वो 40 से 50 क्वेश्चन कर सकता है। 40 से 50 क्वेश्चन तो सभी कर सकते हैं, लेकिन जिसने बहुत अच्छी तैयारी की है वो 50 प्लस अवश्य करके आया होगा। वो बहुत सारे स्टूडेंट से मेरी बात हुई है, 50 प्लस भी स्कोर किया है आप ही के भाई बहनों ने, ठीक है। तो मैं बता रहा हूं आपको रीजनिंग का स्तर बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं रहा, और यूपी ट्रिपलएससी में क्या है, या तो रीजनिंग या हिंदी, दोनों में से कोई डिफिकल्ट बहुत ज्यादा आती है, लेकिन इस बार दोनों ही क्या है, इजी टू मॉडरेट देखने के लिए मिली है। मैं वास्तव में आपको सच्चाई बता रहा हूं, भले ही आप गाली देने लग जाएं, मैंने पेपर को बहुत एनालिसिस किया है, और मैं पिछले 1.5 साल से आप लोगों को पढ़ा रहा हूं, तो मैंने बहुत गहराई में जाकर एनालिसिस किया है। और बहुत सारे स्टूडेंट बोल रहे हैं कि सर रीजनिंग डिफिकल्ट आई है, तो जो इस रीजनिंग को डिफिकल्ट बता रहे हैं ना, वो वीडियो का एग्जाम उठा के देख लेना जो 2018 में हुआ था, इतना स्कोर आप वहां नहीं कर पाएंगे जितना आप यहाँ कर रहे हैं। वहां सीरीज भी अगर पूछी गई थी तो उसका भी बहुत अच्छा मेथड था, बहुत अच्छे पैटर्न पर सीरीज पूछी गई थी, यहाँ सीधा नहीं है ऐसे ऐसे सीधी पूछ ली, 19 हो गया, इस प्रकार से अल्टरनेट चल रही थी, डायरेक्ट आंसर आ रहा था, उसको देखते ही आंसर आ रहा था। तो ठीक है, कहीं ना कहीं रीजनिंग और हिंदी भाई इजी टू मॉडरेट थी, इजी ही आप कहेंगे, हिंदी और रीजनिंग बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं थी। जो यूट्यूब पे आप हुआ फैला रहे हैं कि कट ऑफ 100 रहेगी, कट ऑफ 115 रहेगी, तो आपके भविष्य को बर्बाद कर देंगे। वास्तव में बता रहा हूं भाई,
रीजनिंग और हिंदी आसान थी, ये बात आपको माननी पड़ेगी। आप इसको स्वीकार करें कि कहीं ना कहीं आपकी ही गलती थी कि जो रीजनिंग में आप 50 तक नहीं पहुंच पाए, रीजनिंग में आप 40 क्वेश्चन भी सही नहीं कर पाए, तो कहीं ना कहीं आप कंपटीशन की दौड़ में अपने आप को मत समझना। अगर ओवरऑल आपने अच्छा स्कोर कर लिया है, कोई एक सेक्शन आपका बिगड़ा है, रीजनिंग बिगड़ा है, तो आपने ये दो अच्छे किए हैं, तो आप दौड़ में है। अगर आप रीजनिंग भी अच्छा नहीं कर पाए, हिंदी भी अच्छा नहीं कर पाए, जीके जीएस भी अच्छा नहीं कर पाए, तो आप कैसे अपने आप को सोच रहे हैं कि सर मैं तो कट ऑफ का इंतजार करूं। भाई वास्तव में बता रहा हूं, भाई बहन की तरह, ठीक है, हमेशा ऐसे ही आपको पढ़ाया और ऐसे ही आपको ये सच्चाई आपके सामने रख रहा हूं कि रीजनिंग और हिंदी भाई आसान आई थी और आसान है, पेपर मेरे पास है, अगर कोई डिफिकल्ट बता रहा हो तो मुझे बता देना, बहुत आसान रीजनिंग आई थी, ठीक है, उम्मीद से ज्यादा आई थी, मुझे खुद उम्मीद नहीं थी कि इतने आसान क्वेश्चन रीजनिंग में देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है। अब जीके जीएस और करंट अफेयर्स की बात करते हैं। भाई जीके, मैंने आपसे क्या बोला था कि अगर पेपर डिफिकल्ट आएगा, अगर पेपर डिफिकल्ट आएगा, वीडियो में रेगुलर बोलता था कि वो सबके लिए डिफिकल्ट रहेगा, तो भाई यहां आपको जीके जीएस या करंट अफेयर्स से जो भी थी आपको डिफिकल्ट लगी, लेकिन मैं बता रहा हूं लगभग 15 क्वेश्चन ऐसे थे जो हर एक स्टूडेंट कर सकता है, कुछ क्वेश्चन बहुत आसान थे, लेकिन मैंने आपको बताया था कि कोई भी पोर्शन एक डिफिकल्ट आने वाला है, तो कोई भी जो बचे हुए दो पोर्शन है वो सिंपल रहेंगे, आपको उनमें स्कोर करना है। जो स्टूडेंट इन दो में स्कोर कर गया ना, हिंदी में 70 प्लस कर गया और रीजनिंग में कितना 50 प्लस कर गया, तो वो आपसे बहुत आगे चला गया, बहुत आगे चला गया वो स्टूडेंट, ठीक है, क्योंकि उसने अपने आपको कंट्रोल किया, जो आसान थे क्वेश्चन उनको किया, रीजनिंग में जो डिफिकल्ट क्वेश्चन था, जो लेंथी था, उसको छोड़ते हुए चले, ठीक है। तो अगर पेपर के एनालिसिस की बात करें तो रीजनिंग और हिंदी आसान थी, जीके जीएस को आप थोड़ा सा क्या है, थोड़ा सा अलग प्रकार की पूछ ली कि जो चीजें पूछनी चाहिए थी, जैसे यूपी जीके के 7-8 क्वेश्चन आते वो नहीं आए, तो जो मतलब कहने का मतलब यह है कि आपके जो भी आपने उम्मीद की थी वो नहीं पूछा, और यही तो होता है एग्जाम का नाम। अब ये थोड़ी है कि सारी चीजें आपके हिसाब से पूछ लेंगे तब तो सब स्कोर कर लेंगे, वैकेंसी तो कितनी है 655 है, तो कहीं ना कहीं भाई ऐसा ही पेपर बनता है। और पेपर क्या है कि अगर ओवरऑल पेपर भी देखा जाए तो ये पेपर इजी टू मॉडरेट आप इसको कहेंगे, ठीक है, बिल्कुल भी ये ना कहें कि बहुत डिफिकल्ट पेपर आया था, बिल्कुल भी ये नहीं बोलना है, ना ही ये सोचना है, अपनी जो गलतियां हुई है उनको स्वीकार करना है, ठीक है। तो ये सर हमने क्या किया, इसको एनालिसिस किया कि कट ऑफ के बारे में मैं बता दूंगा, आपने बहुत सारी वीडियो कट ऑफ की देख ली होंगी और अभी भी आप रेगुलर देखते रहेंगे कि इतनी कट ऑफ जाएगी, इतनी जाएगी, और आप अपने समय को बर्बाद करेंगे, इसके अलावा और कुछ नहीं करेंगे, ठीक है, सच्चाई बता रहा हूं आपको, ठीक है। तो ये मैंने आपको पेपर का स्तर बताया, उसके बाद में मैं थोड़ा सा ना वैकेंसी के बारे में बात कर लेता हूं, लास्ट में थोड़ा सा आपको एक आइडिया दे दूंगा कि कट ऑफ का स्तर क्या रह सकता है, वन बाय वन सारी चीजों पर बात करने वाला हूं। और अभी भी बोल रहा हूं, जिसको भी देखे, जिसने भी मेरी क्लासेस ली है, ईमानदारी से बताना है कि आपको 25 दिन 25 चैप्टर वाली जो मैंने सीरीज चलाई थी वहां से क्वेश्चन मिले या नहीं मिले, अगर मिले हैं तो कमेंट करके बता देना, अगर नहीं मिले हैं फिर भी बता देना, क्योंकि वीडियो क्या है, एक एक वीडियो यूट्यूब पे पड़ी है, झूठ बोल के ना तो आप कहीं भाग सकते हैं ना मैं कहीं भाग सकता हूं। मैं ऐसा पता है क्यों बोल रहा हूं, मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूं कि ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिसने मेरी क्लास भी देखी और उसके बाद भी वो अच्छा स्कोर नहीं कर पाया, मुझे बहुत ज्यादा दुख हो रहा है, मैं बहुत ज्यादा दुखी हूं इस बात को लेके कि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे थे जो रेगुलर मेरी क्लास देख रहे थे, रेगुलर क्या है आंसर करते थे वीडियो में, लेकिन वो वहां स्कोर नहीं कर पाए, इसके पीछे कारण क्या रहा वही स्टूडेंट जानते हैं। तो अपने आप को अपने आप में एनालिसिस करना है। बहुत सारे स्टूडेंट बोल रहे हैं सर कितनी कितनी वैकेंसी है, गर्ल्स की कितनी है, किसकी कितनी वैकेंसी है। देखिए दो भर्ती है, वन रक्षक और वन्य जीव रक्षक। अगर बात करते हैं जनरल कैटेगरी की तो 370 वैकेंसी है, या 370 वैकेंसी किसकी है, वर्ण रक्षक की है, ओबीसी में 132 है, एससी में 83 है और एसटी में कितनी है, एक वैकेंसी है। बहुत सारी जो हमारी गर्ल्स हैं, जो बहनें हैं, वो बोल रही हैं सर गर्ल्स की कितनी वैकेंसी है, सारी चीज बताने वाला हूं, वन बाई वन सारी चीजें आपको देखने के लिए मिलेंगी। अगर वन्य जीव रक्षक की बात करें 45 क्या है जनरल की वैकेंसी है, 2 वैकेंसी ओबीसी में है, 10 वैकेंसी एसटी में है और उसके बाद 2 वैकेंसी एसटी में है। अगर आप इनको टोटल ऐड करेंगे 596+59 तो वैकेंसी कितनी होगी, 655। बोलेंगे सर गर्ल्स के लिए इन्हीं में है, गर्ल्स के लिए भी अब आगे बताने वालों, गर्ल्स के लिए अलग से कितनी वैकेंसी दी गई है। वीडियो को बहुत ध्यान से देखते रहेंगे, जो भी आपके राय है सुझाव है कमेंट करके जरूर बताएं, अवश्य बताएं। मैंने आपसे बोला था ना, अभी तक हम आपसे पूछते हैं कि कोई दिक्कत हो तो क्लास में बताओ, लेकिन जैसे ही एग्जाम देके स्टूडेंट निकले, मैंने बात की एक स्टूडेंट से, मैंने पूछा रीजनिंग का स्तर क्या रहा, उसने तुरंत ही बताया कि सर रीजनिंग बहुत आसान थी, जीके जीएस थोड़ी डिफिकल्ट थी। मैंने कहा सर आपने क्लासेस ली, तो उसने क्लियरली बोला है वीडियो में कि हाँ वास्तव में सर क्लासेस से फायदा हुआ है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं भाई अनुभव के साथ ही हम पढ़ा रहे हैं। बहुत सारे स्टूडेंट आते थे क्लास में, बोलते थे कि आप एक चैप्टर को एक क्लास में कैसे खत्म कर रहे हो सर, क्यों बच्चों का पागल बना रहे हो। तो एक चैप्टर एक दिन में खत्म किया, एक घंटे में खत्म किया और फिर भी पूरे के पूरे क्वेश्चन यूपी ट्रिपल एस जैसे एग्जाम में देखने के लिए मिले, ठीक है। तो ये भाई उम्र भले ही कम है लेकिन अनुभव बहुत ज्यादा है, ठीक है। अब इसको देखेंगे यहाँ पर क्या है, वन रक्षक की अगर फीमेल की अगर टोटल वैकेंसी की बात करें तो ये 119 में आप 11 ऐड कर देंगे तो ये इतनी वैकेंसी कितनी है, 130 वैकेंसी किसकी है, 130 वैकेंसी किसकी है फीमेल की, ऑल ओवर इंडिया,
सर ऑल ओवर इंडिया अदर स्टेट के बच्चों ने भी फॉर्म भरा है, लेकिन अब बात करें 130 वैकेंसी किसकी है, गर्ल्स की है। तो आप देख लें 130 में आपको आना है फाइनल सिलेक्शन के लिए। आप खुद अंदाजा लगा लेना कट ऑफ कितनी जाएगी कितनी नहीं जाएगी। आप सभी पढ़े लिखे हैं, ग्रेजुएट हैं, बहुत सारे स्टूडेंट, बहुत सारे बीएड बीटेक वगैरह भी हैं, तो आप सभी अंदाजा लगा लेना क्योंकि इसकी उम्र कितनी थी, 18 से 40 साल शायद इसकी उम्र थी जो फॉर्म भरने की उम्र थी। तो आप बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जो मतलब आपने अंदाजा लगा लेंगे। और सबसे पहले बीच वीडियो में मैं सभी का धन्यवाद करना चाहूंगा, जितने भी स्टूडेंट बुलंदशहर आए हमसे मिले और हमारे साथ रुके वहां, तो सभी का धन्यवाद। आप बताइए कोई हमसे कोई गलती तो नहीं हुई है, हमने पूरी अच्छे से आपकी मतलब प्रॉपर व्यवस्था की वहां। हमने ये नहीं है कि हमने यूट्यूब पे हम खाना खाते हुए आपको दिखा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है भाई, ठीक है। हमारा उद्देश्य एकमात्र यही था कि स्टूडेंट आए और अच्छे से अपना एग्जाम दें, तो बहुत सारे स्टूडेंट हमारे साथ रुके, उनका भी मैं धन्यवाद करना चाहूंगा। और कैसा लगा आपको वहां आके हमसे मिलके, तो आप भी बताएं कमेंट, अगर आप वीडियो देख रहे हैं आप हमारे साथ रुके थे, ठीक है। चलिए अब एक्स सर्विस मैन की अगर बात करते हैं तो 29 वैकेंसी किसकी है, वन रक्षक की है, और एक वैकेंसी किसकी है, वन्य जीव रक्षक की है, क्योंकि दो प्रकार की वैकेंसी है, अलग अलग कट ऑफ आएगी। स्वतंत्रता सेनानी की 11 वैकेंसी किसकी है, वन रक्षक की है, और एक वैकेंसी किसकी है, वन्य जीव रक्षक की है स्वतंत्रता सेनानी में। तो गर्ल्स जो है ये वैकेंसी देख लें, 130 वैकेंसी है आपको, और आपको 130 वैकेंसी में क्या है आना है। लेकिन टोटल वैकेंसी अगर कैटेगरी वाइज बात करें तो ये वैकेंसी मैंने कैटेगरी वाइज बताई है, जो हमारे डीजे सर है उन्होंने ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ का जिक्र किया था पिछली वाली वीडियो में, तो उन्होंने नोटिफिकेशन के अनुसार क्या है ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ बताई थी, लेकिन वैकेंसी ईडब्ल्यूएस की अलग नहीं दी गई है। लेकिन नोटिफिकेशन के एक पॉइंट में बताया गया है कि अगर किसी के पास क्या है EWS का सर्टिफिकेट है तो वो क्या है EWS में कंसीडर किया जा सकता है। तो ये चीजें उसमें बताई गई हैं, तो ऐसी कोई बात नहीं है। बहुत सारे स्टूडेंट उस वीडियो पे कमेंट कर रहे हैं कि सर EWS की वैकेंसी नहीं, आप कट ऑफ बता रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। नोटिफिकेशन अच्छे से सभी ने पढ़ के तब कट ऑफ बताई थी और एक एक पॉइंट की सभी को जानकारी है। तो आप इस बात को बिल्कुल भी कहें, नेगेटिव चीजों को आप बहुत जल्दी पकड़ लेते हैं कि उसने सर ऐसे बोल दिया ये बोल दिया। तो आपको मैं पिछले बहुत दिन से समझा रहा था कि अपने आपको अपने अंदर क्या कमियां हैं उन पर काम करना है। आपने उन पर काम नहीं किया तो आप क्या है एग्जाम में जाके बहुत सारी आपको प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा। बहुत सारे स्टूडेंट एग्जाम नहीं दे पाए, एग्जाम छोड़ दिया। बहुत सारे एग्जाम स्टूडेंट बोल रहे हैं सर रीजनिंग हम पूरी नहीं देख पाए। तो यही चीजें तो मैं आपको समझा रहा था, जाते जाते एग्जाम में जब मैं बुलंदशहर के लिए जा रहा था जहां पर स्टूडेंट रुके हुए थे, तो मैंने गाड़ी में आके खुद वीडियो रिकॉर्ड करके आपको दी ताकि स्टूडेंट देखें इसको समझें, और कम्युनिटी पोस्ट किया स्पेशल उसमें लिखा कि आपको हमारी सीट को अच्छे से भरना, लेकिन फिर भी आपने गलतियां की, ठीक है। तो आप इन चीजों पर भाई काम करिए। अब देखिए हाइट के बारे में बात कर लेते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट हाइट के लिए सवाल पूछ रहे हैं। तो 168 सेंटीमीटर मेल के लिए है, 152 सेंटीमीटर फीमेल के लिए है। अगर आप जनरल ओबीसी और एससी से बिलोंग करते हैं तो ये आपके लिए हाइट है, और उसके बाद एसटी की बात करते हैं तो 160 सेंटीमीटर है, और फीमेल की क्या है 147 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो ये आरक्षण वगैरह दिया गया है, ठीक है। तो ये सारी चीजें मैंने बता दी। उसके बाद फिजिकल के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं, क्योंकि सारी चीजें आप कॉल करके मुझसे पूछ रहे हैं रेगुलर, इसी वजह से मैंने इस वीडियो में सारी चीजों को रखा है। तो दौड़ क्या है 10 किलो वजन लेने के बाद में अगर मेल है तो 25 किलोमीटर की जो रेस है वो आपको 4 घंटे में क्या करनी है कंप्लीट करनी है, क्या करनी है 25 किलोमीटर की जो रेस है वो 4 घंटे में आपको क्या करनी है कंप्लीट करनी है। वैसे ही अगर 14 किलोमीटर की रेस क्या है गर्ल्स को क्या है 4 घंटे में कंप्लीट करनी है। तो ये क्या है फिजिकल है, ये क्या है फिजिकल है, ठीक है। जैसा कि आप सभी को पता है 655 वैकेंसी है, ठीक है, वैकेंसी 655 है। हाँ, एक बहुत बड़ा सवाल आपके दिमाग में चल रहा होगा कि सर कितने बच्चों ने परीक्षा दी है, कितने बच्चों ने क्या दिया सर परीक्षा दी है। तो परीक्षा वाले पॉइंट पर मैं आ जाता हूं, ठीक है। तो परीक्षा जो दी है, देखिए क्लियरली आज के न्यूज पेपर में आया है कि आधे से अधिक बच्चों ने क्या है ये परीक्षा छोड़ी है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि ये जो परीक्षा दी है ना 50% से कम लोगों ने दी है, और ये जो मैं बता रहा हूँ 40 से 50% होंगे, और हो सकता है कि 35 से 40% हो, ठीक है। कितने बच्चों ने परीक्षा दी है वो मैटर नहीं करता है, मैं आपको आज ये सच्चाई बता रहा हूं, और आप इसको याद रखना। कंपटीशन जो है मैक्सिमम 10,000 बच्चे हैं, मैक्सिमम 10,000 बच्चे ऐसे हैं जो इस कंपटीशन में है, ठीक है, जो इस कंपटीशन की दौड़ में है, जिन्होंने बहुत अच्छे से मन लगा के तैयारी की है, ठीक है। अब चलते हैं मैं कट ऑफ की तरफ आपको लेके चलता हूं। उससे पहले मैंने एक चैनल पे पोल कराया है, आप इसको देख लीजिए, आप लोगों ने ये पोल किया है, बहुत सारे स्टूडेंटों ने जिन्होंने गलत बता दिया है तो वो गलत ही रहेगा भाई। मैं क्या है आप लोगों के अनुसार ही तो हम कट ऑफ बता सकते हैं, डीजे सर ने जो कट ऑफ बताई है वो कहीं ना कहीं क्या है सही साबित होगी, ये बात आप याद रखना। जितने भी स्टूडेंट हैं जिनको ये कम कट ऑफ लग रही है, तो भले ही क्या है गर्ल्स की थोड़े से कम पर हो जाए, ठीक है, गर्ल्स की कट ऑफ कम रह सकती है, लेकिन ओबीसी जो मेल की कैटेगरी मेल की जो सर ने कट ऑफ बताई है वो बिल्कुल एज इट इज रहेगी, प्लस माइनस 5 ही रहेगी, ठीक है। तो कट ऑफ के बारे में मैं बाद में आता हूं, खुद ही देख लीजिए आप कितने बच्चों ने पोल किया है और कितना क्या है उनका स्कोर रहा। देखिए आपको ये दिख रहा होगा, आप में से भी बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जिसने इसमें पोल किया है, जो आप इस वीडियो को देख रहे हैं। मैंने इसमें बोला कि जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी, आपका एग्जाम, आप सभी अपना एग्जाम देकर आ चुके होंगे, और आप बताएं कि आपका स्कोर क्या रहा नेगेटिव काट कर। तो ये मैंने आप लोगों से पोल कराया,
अगर आप इससे खुद आप देखेंगे, आप लोगों ने पोल किया है भाई, हो सकता है गलत हो सकता है सही हो, अगर आप देखेंगे 110 से लेकर 120 के बीच में 31% लोग हैं और टोटल 6300 बच्चों ने क्या है इस पर वोट किया है जाके, जब तक मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ठीक है। तो 6300 बच्चों ने क्या किया, वोट किया है। आप पढ़े लिखे हैं, आप देख लीजिए 31% बच्चे ऐसे हैं जो बोल रहे हैं कि 110 से लेकर 120 तक क्या रहा है, हमारा स्कोर रहा है, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट हैं वो बोल रहे हैं कि सर 120 से लेकर 130 तक क्या रहा है, मेरा स्कोर रहा है। मतलब 33% ऐसे स्टूडेंट हैं जो सबसे ज्यादा है अपने आप में, 31, 33, 17, 9, तो 33% ऐसे हैं जो 120 से लेकर 130 तक क्या है उनका क्या रहा है, स्कोर रहा है। 130 से लेकर 140 तक देखेंगे 17%, 130 से लेकर 140 के बीच में अगर आप देखेंगे तो क्या है 17% ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका स्कोर कहा रहा है 130 से 140 रहा है। अगर आप इसका 17% निकालेंगे तो आपको अंदाजा लग जाएगा कि कट ऑफ कितनी रहेगी, कट ऑफ कितनी जा सकती है। तो मैं आप सभी को बता रहा हूं कि जो भी डीजे सर ने कट ऑफ बताई है, मैं कट ऑफ पर कोई बात करने नहीं आया हूं, मैं आप लोगों के जो सवाल आपके दिमाग में चल रहे हैं उन सारी चीजों को मैं बताने वाला हूं। और कट ऑफ आप इसको देखकर, खुद आप पढ़े लिखे इंसान है तो आप अंदाजा लगा सकते हैं। और स्पेशल गर्ल्स के लिए मैं एक और कम्युनिटी का पोल, मतलब चैनल पे ऐसा पोल कराने वाला हूं, तो सिर्फ गर्ल्स इसमें क्या करेंगे, वोट करेंगे, ताकि गर्ल्स का क्या है हम कट ऑफ का एक अच्छा अंदाजा लगा पाए, ठीक है। वैसे जो भी मेल की कैटेगरी की जो भी कट ऑफ डीजे सर ने बताई है वो पूरी परफेक्ट एकदम पूरी टीम ने मिलकर वो तैयार की है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं 130 से लेकर 140 के बीच में 17% है, 140 से 150 के बीच में भी क्या है 9% स्टूडेंट है। मैं मान रहा हूं कि अगर आप लास्ट वाले 150+ में देखेंगे कि अगर कोई भी स्टूडेंट ने उसने एग्जाम भी नहीं दिया है और उसको क्या है चैनल पर कोई पोल नजर आ रहा है तो वो उस पर क्लिक करता है जो सबसे बेस्ट होता है, तो बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे इसमें ऐसे होंगे जो 150+ भी है, ठीक है, वो ऐसे होंगे 150+ भी है। तो आप लोगों को क्या करना है पता है, आप लोगों को क्या करना है, जितने भी स्टूडेंट हैं इस वीडियो को देख रहे हैं आप सभी को क्या करना है, ये तो भाई कट ऑफ आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं, आप सभी क्या है इससे अंदाजा लगा सकते हैं, लेकिन आप सभी को एक काम करना है, जितने भी स्टूडेंट ने इसको वीडियो को देखा है, यहां तक अगर आपने वीडियो देखी है तो आपको ईमानदारी से अपना वास्तविक स्कोर कमेंट सेक्शन में बताना है, वास्तविक स्कोर बताना है कि भाई मेरा स्कोर इतने मैंने अटेम्प्ट किए और इतना मेरा इस सेक्शन में, सभी के सेक्शन वाइज लिखने हैं ताकि एक बेहतर कट ऑफ की तरफ हम जाएंगे। देखिए बहुत सारे स्टूडेंट मेरे से कॉल करके पूछ रहे हैं सर मेरे इतने स्कोर हैं क्या मैं सेफ हूं। देखिए अभी तो आपको UP SSC जो भर्ती बोर्ड है ना वो भी आपको नहीं बता सकता वो सेफ है या नहीं, क्योंकि वो डिपेंड करता है, वो डिपेंड किस पे करेगा कि वो बच्चों का स्कोर देखा जाएगा, बच्चों का स्कोर देखा जाएगा। 655 वैकेंसी है, इसका 5 गुना देखेंगे, 6×5=30 लगभग 3200 के आसपास, 3200 के आसपास क्या है 3200 से लेकर 3500 के बीच में स्टूडेंट सेलेक्ट होंगे किसके लिए, फिजिकल के लिए, ठीक है। तो कहने का मतलब यह है इससे ज्यादा भी हो सकते हैं, मान लीजिए 3200 के लिए आप 3500 मान लीजिए 3500 स्टूडेंट भी अगर लिए जाएंगे तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कहीं ना कहीं अगर 1,00,000 बच्चे भी इस परीक्षा में बैठे हैं, छोड़ दीजिए 4,81,000 में से 3,81,000 को साइड में रख दीजिए, तो फिर भी क्या है कट ऑफ थोड़ी सी हाई रहने वाली है इसकी। मैं थोड़ा सा संकेत आपको दे सकता हूं कट ऑफ पर, मैं कोई ये नहीं बताऊंगा कि इतनी कट ऑफ रहेगी, कट ऑफ अगर आप बोलेंगे आप लोगों की डिमांड पर, अगर आप सभी अपना कमेंट सेक्शन में स्कोर बताएंगे, ठीक है, उसी स्कोर के अनुसार मैं कट ऑफ की स्पेशल वीडियो लेके आ जाऊंगा। और देखिए गर्ल्स के लिए मैं ऐसा ही कम्युनिटी पोल कराऊंगा, तो जितनी भी हमारे बहनें हैं वो भी इस वीडियो के कमेंट में अपना स्कोर बताएंगी, जिससे क्या होगा कि हमें कट ऑफ एक और, देखिए कट ऑफ तो ऑलरेडी आ चुकी है, कट ऑफ अब हम डेली कट ऑफ नहीं बताएंगे, लेकिन आप लोगों के फिर भी दिमाग में सवाल चल रहे हैं तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपना स्कोर लिखेंगे, मेल फीमेल दोनों आप बताएंगे कि सर हमारा इतना स्कोर रहा, प्रत्येक सेक्शन वाइज लिखना है, झूठ किसी को नहीं बोलना है, ठीक है। झूठ बोलेंगे तो भाई सच एक दिन सामने आएगा, जब कट ऑफ हाई जाएगी तो आप सब बोलेंगे कट ऑफ इतनी हाई कितनी चली गई। आप बोल रहे हैं कॉल करके सर वो चैनल वाला इतनी बता रहा है, वो चैनल वाला इतनी बता रहा है, तो मैं आप सभी से निवेदन करना चाहूंगा जो आपको उचित लगे आप वो करें, आप किसी की भी कट ऑफ पर विश्वास ना करें, आप खुद पढ़े लिखे इंसान है। और रेगुलर आपसे छोटी सी एक रिक्वेस्ट यही है, आप ये बताएं कि रीजनिंग वास्तव में जो रीजनिंग मैंने पढ़ाई वो आपको क्लास में देखने के लिए मिली या नहीं मिली, और जितने भी स्टूडेंट हैं इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपना स्कोर बताएं, एक बेहतर अगर आपका टॉप चाहते हैं, क्योंकि आप लोग बार बार कॉल मैसेज करके आप परेशान करते हैं, ठीक है। तो आप सभी अवश्य बताएंगे कि आपका मतलब स्कोर क्या रहा, स्कोर भी बताएंगे, एक बेहतर स्कोर की तरफ हम पहुंचेंगे। देखिए सारी चीजें मैंने कवर की हैं, कितने प्रतिशत 50% से भी कम न्यूज़पेपर में आई है, लगभग मान के चलिए 30 से 40%, 40 से 50 के बीच में क्या है स्टूडेंट बैठे हैं, लेवल कैसा रहा, लेवल आप इजी टू मॉडरेट कहेंगे इसको, ठीक है। कट ऑफ मैं आपको बता दिया कट ऑफ कितनी जा सकती है, अब क्या करें बहुत जरूरी बात है, अब क्या करना है सबसे लास्ट पॉइंट ये बचा हुआ है। तो आपका जो भी एग्जाम आ रहा है, देखिए जो भी एग्जाम आ रहा है, ये नहीं बोलूंगा कि आप मेरे साथ पढ़ें, मैं बिल्कुल नहीं बोलता हूं ना ही कभी बोलता हूं, जो भी आपका एग्जाम आ रहा है, बहुत सारे स्टूडेंट होंगे जो यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे होंगे, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जो ऐसे होंगे जो यूपीपी में रेडियो वाला ऑपरेटर है उसकी तैयारी कर रहे होंगे, बहुत सारे एसएससी जीडी, बहुत सारे यूपी ट्रिपल एससी क्या है
पीईटी की तैयारी कर रहे होंगे, बहुत सारे वीडियो की तैयारी कर रहे होंगे, और भी बहुत सारे एग्जाम है, ग्रुप डी चल रहा है, ग्रुप डी की तैयारी कर रहे होंगे। तो कहने का मतलब ये है बहुत सारे एग्जाम है, दिल्ली पुलिस की भी बहुत सारे तैयारी कर रहे होंगे, तो और भी बहुत सारे अपकमिंग एग्जाम है। अगर आपका कोई भी एग्जाम आ रहा है तो आप हमारे साथ जुड़ के या किसी के भी साथ जुड़ के मन लगाकर आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। ज्यादा कट ऑफ की वीडियो देखने से बेहतर है कि जो इस पेपर में आपसे कमी रही है, देखिए भाई ये कंपटीशन है, कंपटीशन में सभी का सिलेक्शन कभी नहीं होता है। अगर मैं बोल दूं कि सभी का सिलेक्शन हो जाएगा तो कंपटीशन में कुछ लोगों के हाथ नहीं, मैक्सिमम लोगों के हाथ क्या लगती है, निराशा लगती है। तो देखिए 655 वैकेंसी है, 481,000 बच्चों ने फॉर्म भरे हैं, तो आप देख सकते हैं जितने भी बच्चे हैं जो एक्स्ट्रा हैं वो तो भाई बाहर जाने वाले हैं। आप बोलेंगे सर 2019 से 2022 चल रहा है, पढ़ने वाले सारे लग गए, मैं भी इस बात को बोल रहा हूं, लेकिन जिनका नंबर नहीं आया वो भी कम पढ़ने वाले नहीं है। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो दिल्ली पुलिस में नहीं लग पाए कांस्टेबल वाली वैकेंसी में, और वो यूपीएसआई में क्या बन गए, दरोगा बन गए। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो एसएससी जीडी में 2018 वाली भर्ती में नहीं लग पाए, लेकिन 2021 में वो दरोगा में लग गए। तो कहने का मतलब ये है जो स्टूडेंट फेल हो रहा है तो उसको आप कम ना समझें, और जो भी स्टूडेंट निराश बिल्कुल ना हो, जिनका भी अच्छा पेपर नहीं हुआ है, आप अच्छे से मन लगा के पढ़ाई करें, अपना स्कोर अवश्य बताएं। जो भी आपकी राय है, जो भी आपको लगता है, अवश्य दें कमेंट में। मुलाकात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखें, अच्छे से पढ़ते रहें। जय हिंद, जय भारत।